एवरीवन, माय सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या विद पायल। तो दोस्तों, जो मेरा प्रीवियस वीडियो था नरेशन के ऊपर था, उस पर हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को, जस्ट सिंपल पास्ट टेंस को एक्सप्लेन किया था। आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन करना है और पास्ट के सिर्फ दो ही टेंस का नरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बाकी जो दोनों टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, दीज टू टेंसेस आर नो चेंज। ये दोनों टेंस जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज वेर प्लस वर्ब फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होता था। इस पर बिकॉज ये हमारा पास्ट टेंस है, इसलिए इसमें वॉज वेर लगेगा और इसके साथ वर्ब फॉर लग जाएगा। वर्ब फॉर में आप सभी जान रहे हैं ing फॉर्म आएगा, ईट का ईटिंग, गो का गोइंग, स्लिप का स्लिपिंग, इस तरह से। बट जब इसका नरेशन में चेंज होगा, डायरेक्ट फॉर्म में तो ये होगा, लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म में ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। दैट मीन्स इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड और बीन ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भर फोर के साथ ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा सिंस और फोर लगता है और उसके साथ टाइम हमारा ऐड होगा। इसमें अगेन रिविज़न, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वेर प्लस वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होता है, वो हमारा ट्रांसफॉर्म होके हैड बीन में चेंज हो जाएगा और वर्ब फॉर लग जाएगा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है हमारा ही सेड टू मी यू वेर बीटिंग मी। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे मार रहे हो। ओके, अब सेड टू का टोल्ड में होगा बिकॉज ऑफ यहाँ ऑब्जेक्ट है। ये बात मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाई थी कि यहाँ सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, डैट इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और यहाँ क्या लगेगा, डैट ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो आई, अब यहाँ वेर ना लग के वेर किस में चेंज हो रहा था, हैड में। आई हैड, हैड के साथ क्या लगेगा, बीन। आई हैड बीन, बीटिंग का बीटिंग ही रहेगा, बीटिंग अब यहाँ चेंज होगा, मी चेंज होगा हिम में। क्यों, बिकॉज ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे मार रहा हूँ। तो किसे मार रहा हूँ, हिम, उसे, इसलिए यहाँ मी से हिम होगा। ही सेड टू मी यू वेर बीटिंग मी, ही टोल्ड मी डैट आई हैड बीन बीटिंग हिम। इस तरह मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं नरेशन का, उस पर मैंने, ये तो असर्टिव फॉर्म हुआ, उस पर इंट्रोगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, या तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जस्ट एक हिंट है, इसको आप, अगर असर्टिव फॉर्म में आएगा तो ये ठीक है, बट इंट्रोगेटिव फॉर्म में वेयर पहले आ जाएगा, वॉज वेयर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है, देन यहाँ इफ लगता था, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता था। अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वो सारे टर्म क्लियर होंगे, इसलिए मैंने इस पर वो नहीं बताया। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न अगर लगे तो प्लीज़ आस्क इन माई कमेंट बॉक्स। देन हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। ये नरेशन में जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट का हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। तो इसका सेम ज्यों का त्यों होता है, बिकॉज यहाँ नो चेंज, यहाँ तो चेंज होगा नहीं, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट ही होगा। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी नो चेंज, ये भी चेंज नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट प्लस फोर और सिंस प्लस टाइम। ये दोनों टेंसेस में अगर कोई सेंटेंसेस देंगे, अगर क्या, क्वेश्चन पूछने वाला पूछ ही सकता है, ये दोनों टेंसेस का अगर सेंटेंस हमारे पास रहेगा तो सेम वो जैसा लिखा हुआ है उसी तरह उतार देना है, उसका कोई चेंज करने का हमें सोचना नहीं है। जस्ट माइंड में इसके स्ट्रक्चर्स को देख रखना है कि हैड से वर्ब थ्री से कोई अगर सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसका अगर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए देगा तो उस पर चेंज नहीं करना, बिकॉज दीज टू चेंजेस आर नेवर चेंज।
ये हुआ हमारा पास्ट टेंस. देन नेक्स्ट वीडियो में ऑल द फ्यूचर टेंस विल बी कंप्लीटेड. तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश.